भारत का एकमात्र रेलवे स्टेशन जिस पर आज भी अंग्रेजों का कब्जा है, हिंदुस्तान को देना पड़ता है करोड़ों रुपए का लगान। अंग्रेजों ने हमारे देश भारतवर्ष पर 200 साल तक राज किया और इस समय अवधि के दौरान गौरों ने भारतीयों पर काफी अत्याचार किया। अपने शासन काल में अंग्रेजों ने भारत में ऐसी कई विरासतों को विकसित किया जो आज भी भारत का गौरव है। इनमें से एक है भारतीय रेलवे, जो आज एशिया का दूसरा और विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। भारतीय रेलवे अपने भीतर कई इतिहास छुपाए बैठा है। आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी भारतीय रेलवे का एक ट्रैक जो ब्रिटिश कंपनी के अंतर्गत आता है, और हर साल भारत इस ट्रैक की देखरेख के लिए कंपनी को करोड़ों रुपए देता है। यह रेलवे ट्रैक आज भी अंग्रेजों के कब्जे में है। इस ट्रैक को संकुतला रेलवे ट्रैक से नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र के अमरावती से मिर्तजापुर तक इस ट्रैक की लंबाई करीब 190 किलोमीटर है। अंग्रेज भारत में रेलवे लेकर आए। 1947 में देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय रेलवे भारत सरकार द्वारा नियंत्रित एवं सार्वजनिक रेलवे सेवा बन गई। आज ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल सेवा है। इतना ही नहीं, भारतीय रेलवे 12 लाख कर्मचारियों के साथ दुनिया का आठवां सबसे बड़ा वाणिज्य संगठन है। हर साल 1 करोड़ 20 लाख रुपए का लगान देता है भारत सरकार। आज़ादी के बाद भारतीय रेलवे ने ब्रिटिश कंपनी के साथ एक समझौता किया। इसके तहत भारतीय रेलवे द्वारा हर साल कंपनी को रॉयल्टी का भुगतान किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी को हर साल 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रॉयल्टी मिलती है। भारी भरकम रॉयल्टी मिलने के बावजूद भी ब्रिटिश कंपनी इस ट्रैक के मेंटेनेंस पर कोई ध्यान नहीं देती, जिसके चलते यह ट्रैक पूरी तरह जर्जर हो चुका है। इस तरह चलने वाली संकुतला एक्सप्रेस को भी 2020 में बंद कर दिया गया था। स्थानीय निवासियों ने इस ट्रेन को फिर से चलाने की मांग की है। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय रेलवे ने इस ट्रैक को वापस खरीदने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। तो दोस्तों, अब हम बताते हैं कि इस ट्रैक की जरूरत क्यों हुई, ब्रिटिश कंपनियों ने यह ट्रैक क्यों बनाया। कपास अमरावती महाराष्ट्र में उगाई जाती थी। यहाँ से मुंबई बंदरगाह तक कपास के ढुलाई के लिए इसी ट्रैक का इस्तेमाल किया जाता था। इस रेलवे ट्रैक को बनाने के लिए ब्रिटेन की क्लीन निक्सल एंड कंपनी ने सेंट्रल प्रोविंस रेलवे कंपनी CPRSC की स्थापना की। इस ट्रैक का निर्माण 1903 में शुरू हुआ था, जो 1916 में बनकर तैयार हुआ था। इस ट्रैक पर केवल एक ट्रेन चल रही थी, जिसे संकुतला पैसेंजर के नाम से जाना जाता था। इस कारण यह रेलवे लाइन संकुतला रेलवे ट्रैक के नाम से इसे प्रसिद्ध हुई। 1994 के बाद इन ट्रेनों में बाप की जगह डीजल इंजन लगाए गए। ये ट्रेनें 17 स्टेशनों पर रुकती थी और 6 से 7 घंटे में यात्रा पूरी करती थी। तो दोस्तों, अब आपको पता चल ही गया होगा कि भारत का संकुतला रेलवे ट्रैक, जो आज भी भारत को अंग्रेजों को करोड़ों रुपए का लगान देना पड़ता है, भारत का एकमात्र रेलवे स्टेशन है जिस पर आज भी अंग्रेजों का कब्जा है और हिंदुस्तान को देना पड़ता है लगान। तो ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए हमारा YouTube चैनल देखते रहिए, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मिलते हैं। नमस्कार, आदाब।